नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ममता बनर्जी जो खेल बंगाल में खेल रही हैं वह कहीं उन पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि बतौर सीएम उनके आचरण को लेकर जो संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं उसका इशारा इसी तरफ है कि कहीं बंगाल में कुछ बड़ा न हो जाए। ममता बनर्जी खुद को सबसे ऊपर मानकर चल रही हैं, कैब को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही हैं। ये बात राज्यपाल जगदीप धनखड़ की समझ से बाहर है, इसी वजह से उन्होंने ममता बनर्जी को राजभवन में तलब किया है। लेकिन ममता बनर्जी राजभवन जाएंगी और राज्यपाल को हालात की जानकारी देंगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को बुलाने पर राज्य सरकार के अधिकारियों तक उनके पास नहीं जा रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में व्याप्त स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने ममता बनर्जी को निजी तौर पर राज्य के हालात से अवगत कराने को कहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार से सख्त रुख अपनाया है और हिंसा को रोकने के लिए किए गए काम की पूरी जानकारी मांगी है। ममता बनर्जी कैब के खिलाफ रैली कर रही हैं, जिसे राज्यपाल ने असंवैधानिक और भड़काऊ कृत्य बताया है। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना कैसे कर सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।